अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अली बट व्लॉग। ये मेरी बर्थडे का इस साल का लास्ट व्लॉग है, उम्मीद तो यही है मेरी है। और जो मेन इवेंट है ये स्पॉन्सर किया गया है जीटी इवेंट की तरफ से, मतलब बेस्ट है, ठीक है। और मैं आपको इनका काम दिखाता हूँ, कुछ कुछ तो मैंने दिखाऊँगा अभी साथ। अभी ये तैयार हो रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके बाद जब टोटली तैयार हो जाएगा मैं आपको वो तब दिखाऊँगा। मैंने व्लॉग इस वजह से लेट स्टार्ट किया क्योंकि बर्थडे के अंदर ना काफ़ी चीज़ें जो व्लॉग के अंदर हैं, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सारे टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, सब कुछ हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। हेलो, मैं उधर हूं राजपूत और हम इवेंट पे पहुंच चुके हैं, तो सोचा मैं ही बना लेता हूँ व्लॉग क्योंकि अली तो अभी तक आया ही नहीं है। सो दिल साहब पागल हो गया, परेशान हो गए हैं। उस्मान भाई, ये क्या हो रहा है? उस्मान भाई, क्या हो रहा है? ये तो पागल खाने से आए सारे, पकड़ लो इसको। ओए 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 ओए, हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारे सारे के सारे क्या इधर क्या करने आए? पागल हो गए ना, छुरी फेरते हैं। नहीं कर सकते लोगों का, ये तो बंदे का ब्लॉग बन रहा है ना, उसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं बना रहा। भूख बहुत देखी हुई है, वो बंदे के नखरे नहीं खत्म हो रहे। तो कितने रह गया, अभी ब्याह की रोटी खान खड़े हैं। सो गाइस, सीन ऐसा है कि अली अभी तक नहीं आया, सारे सारे बना रहे हैं। कैसे हो ब्रो? अच्छा मुझे ये बताओ, 17-18 बर्थडे हुई है, आप क्यों नहीं आए? यार असल में ना मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि ना असल में थोड़ा सा मसरूफ था, जिसकी वजह से ना आजकल सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ। पर अली मेरा डन था कि एक पे आऊंगा और ग्रैंड मतलब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मिस किया है, मैंने हर बर्थडे देखी है, एक एक स्टोरी देखी है, एक एक स्नैप देखी है, और मैंने मिस भी बहुत ज्यादा किया है, पर शायद मजबूरी थी शायद। यार यकीन करो मैं थक गया हूँ, आज इसकी बर्थडे अपने अटेंड किया है 25, जिंदगी में मैंने की नहीं है इतनी बर्थडे। आई लव यू अली। फाइनली अली इज हियर। तैयार करके आया हूँ, लेकिन अभी नहीं। हाँ, मैं कुछ अपने दोस्तों के बारे में जो सारे यहाँ पे मतलब मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनके लिए खास तौर पे मैं कुछ लिख के नहीं लाया, लेकिन स्टिल मेरे दिल में कुछ बातें हैं, तो मैं सब से बात शेयर करूंगा अभी, लेकिन कुछ ही देर के। वो तो हम जानते हैं कि आप दिल वाले हैं, लेकिन अली की दिल की बात मैं कहूंगा। हम आने वाले मौजूद मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि नियंत्रण देके जाएं, पिछली दफा भी देके नहीं गए और ऐसे ही चले जाते हैं, प्लेट पटकने से पहले जो नियंत्रण दे रहे हैं। पिछली बारी भी 3300। अली, आप कुछ कहेंगी अली के लिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को एक जगह देख के। वो जो टिकटॉक पे हम लोग थोड़ा सा दूर हो गए हैं, आज सब साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली अली, सबसे अच्छी चीज ये कि वाकई तुम दिलों में बसते हो, इस बात का ये प्रूव है कि हम यहाँ हैं, और कराची से स्पेशली मेहमानों का आना, रियली हैट्स ऑफ टू यू। दोस्ती निभाने का आप लोग वाकई जिगर रखते हो और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा था अदील मुर्तजा, ही केम फ्रॉम मुल्तान, तो ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना इज रियली अमेजिंग। अच्छा तो आप कुछ को
सही बताऊं तो अली के साथ सबका ही दोस्ताना है, सबका प्यार है। ये असल में खुद इतना प्यारा है कि इसके सब बहुत अच्छे प्यारे दोस्त बन जाते हैं। तो इसमें सही बताऊं तो खूबियाँ खामियाँ बहुत कम हैं, और ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। और मेरी तरह सभी ऐसा बोलेंगे कि इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, सो दैट्स इज क्वालिटी, ही इज़ अ लीडर मैन। सो एक और जोरदार तालियां अली। एंड दीस टू देखे कितने दोनों प्यारे लगते हैं साथ में, क्या कहते हैं आप लोग, है ना, एक क्लैप तो बनती है दोनों के लिए। सो एमन और मुस्तफा क्या कहेंगे, आज अली का डे है, बर्थडे है, द किंग हैज अराइव्ड। लेजेंड हमेशा सबके बाद आते हैं, रियली सो हैप्पी बर्थडे अली। और अली वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, जैसे ये बाहर से दिखता है वैसे अंदर से भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। ऐसा है कि मुझे तो बड़ा बेसब्री से इंतजार था इसकी बर्थडे का, तो एडवांस में भी 3 दिन पहले ही आ गया, और इसके लिए एनी टाइम मैं हाजिर हूँ, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है और इसीलिए आज भी हूँ आप सब लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और हैप्पी बर्थडे नो ब्रदर, लव यू। और यहाँ पे एक लेजेंड, ये लेजेंड है और ये लेजेंड लेजेंड बहुत शुक्रिया दिसंबर में मुझे इतनी दूर से दिलावर दी, मैं आपका आया आपके पास आया और उतो भी मैं तुम लाना दी भेजने की क्या कहेंगे आप अली के बारे में, क्या मतलब कुछ नहीं, बेटा आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आजकल जो अली है ना वो मेरी सौतन बन चुके हैं। really? ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी तो क्या तीन चार दिन वो घर में आते और ये वाहिद बंदा है कि जिसका मुझे बुरा भी नहीं लगता। तारीफ तो सबको पता ही है, सारे अली को नहीं कुछ गलत बोलता है यार, लेकिन अली का ना सबको पता ही, इस तरह दिल बजा रहा था कि अली की क्वालिटीज का तो सबको पता ही है। मुझे जो आज सबसे ज्यादा खुशी है ना वो इस बात की है कि फाइनली इसकी बर्थडे खत्म हो गई है, सब लोग बहुत खुश हो गए ना, दो हफ्ते से बंधे हुए थे सारे। मैं एक चीज क्लियर कर दूं सबको, प्लीज मैंने अपनी एक भी बर्थडे नहीं की, ये भी मैंने नहीं की, ये भी जीटी इवेंट्स वाले हैं, ठीक है, इतनी पहले डेकोरेशन तो मैं सोच भी नहीं सकता जितनी उन्होंने कर दी हुई है, ठीक है, मैंने अपनी एक भी बर्थडे नहीं की, सारे मेरे जो ये चलो बाद में बात। देखा आपने, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, गिफ्ट गिफ्ट होते हैं, क्या बात है क्या बात है, कहना क्या है अली के बारे में, मैं कह रहा हूँ कि अली बड़ा केयरिंग है यार, ठीक है, और ऐसा जी सभी को पता, लेकिन बताना भी चाहता हूँ ये सभी गाय सभी आए हुए बहुत दूर से आए हुए, तो इसी खुशी में इसको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो नाम दे देता हूँ, क्या वो गिफ्ट कहाँ है, जरूर नाइस, इसको कहते हैं सुपर से बहुत ऊपर, सही बात है बिल्कुल। चलो जी असल में सारी जो है वो कुछ खास गिफ्ट लाए हैं अली, आज नहीं सोचा ये ना मोबाइल जब मिलता है ना चमचम करता हुआ नया नया उसकी फील ही और होती है। बंदा मुझे ऐसे ही मिलता है जैसे मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैं इसकी मतलब कोई गलती होती है तो मैं इसे डांटता भी हूँ, तो कभी इसने मेरी किसी बात का माइंड नहीं किया, हमेशा बात समझता है और कहता है हाँ ये चीज गलत है, और आई लव यू अली भाई, क्या बात है, ये प्यार अमर हमेशा, बाकी प्यारा दोस्ती। सिर्फ इतना बोलूंगी कि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे अली को जानते, एंड ही इज रियली वेरी रियल जेन्युइन पर्सन है, एंड दैट्स ऑल, वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू अली। लास्ट बर्थडे पे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, अच्छा, तो आज हमारा जो है ना दोस्ती वाला भी जो है ना बर्थडे है, एक साल हो गया पूरा यार, कमाल है यार ये बंदा, मेरे पास अल्फाज नहीं है।
الفاظ نہیں ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا میں کون سے الفاظ جو ہے نا وہ بیان کروں, وہ ہے ہی نہیں. سب تو پہلا تو انہوں کی مہربانی کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اپنے برتھ ڈے سے سدیا, میری بہت خوشی ہوئی ہے جیتے آ کے انہوں سارے ویرا چڑھ کے اتنے کرا وہ انرجی چاہیے جو ویڈیوز میں ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی پنڈوں پانچ بجے تک ٹریاں روٹی کھو گئے. اور حاضرین کے پیار ایسا ہی ہوتا ہے کہ گفٹ مل رہے ہیں آئی فون 13 پرو میکس اور اب ایپل واچ. دراصل یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اور یہ میاں چنو سے اسپیشل آئے ہیں برتھ ڈے پر. یہ بہت مطلب کم بات کرتے ہیں, زیادہ بات میرے ساتھ صرف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آن سکرین یہ بالکل نہیں بات کرتے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بھائی علی بہت اچھا بندہ ہے, بہت اچھا انسان ہے, بہت پیارا ہے ماشاء اللہ. سیکنڈ ٹائم ملی ہوں میں علی سے اور علی کی وجہ سے آج میں آئی ہوں برتھ ڈے پہ. اور میں سیر میرے سے کچھ ایسا ہوا تھا آج کہ میں بھول گئی بھی تھی کہ علی کی برتھ ڈے ہے اور میں شوٹ پہ تھی. نہیں وہ مجھے تھا کہ شاید کل ہے, یہ نہیں کہ میں علی کو بھول گئی, مطلب مجھے پتا تھا کہ برتھ ڈے ہے لیکن مجھے تھا کہ کل ہے شاید. تو پھر میں نے خیر آ کے دیکھو آپ کے سامنے. بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن اگر علی اجازت دے تو علی بول دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی کو آج ڈبل کنگریچولیشن, ایک برتھ ڈے کی, دوسرے دوستوں کی اور 13 پرو کی چین بھی ہے. اور علی بھائی ہم لوگ بہت مطلب علی بھائی سے ہماری کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, مطلب ٹک ٹاک سے ہٹ کے اس سے پہلے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ٹک ٹاک پر ہوں نہیں, لیکن علی بھائی ایک اچھے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ہمیشہ. علی یہ سونا نا مرد پہ حرام ہوتا ہے. چلے جی بہت 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 ہیپی برتھ ڈے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش کہہ دے. یار یہ میں بھائی کی کیا آپ کو بتاؤں, یہ میرا وہ بھائی ہے جو بہانے ڈھونڈتا ہے ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کے لیے. یار ایمان سے ایسا بندہ کم میں نے دیکھا ہے جسے ہر ٹائم یہی سوچ رہتی ہے یار میں کسی طریقے سے اپنے دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لوں. اب ہاں سے کبھی کبھی تو تنگ آ جاتے ہیں یار. علی بھائی بس کر دو آپ, برتھ ڈے بہت, جنم دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور علی بھائی بہت ہی نائس اور ہمبل پرسنالٹی ہیں, بہت زیادہ دیر سے تو نہیں جانتا لیکن ان سے مل کے ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے بچپن کے دوست ہیں. تو ماشاء اللہ دوسرے لوگوں کی طرح بہت کم ٹیٹو پارٹیاں لگاتے ہیں اور بہت نائس پرسنالٹی ہیں. علی علی بھائی کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علی بھائی آئی لو یو, اور میں دلی سے آپ سے مطلب انوائٹ کیا آپ کا اس کے بہت شکریہ. میں اصل میں سارے کام کرا رہا تھا, ٹھیک ہے, تو جہاں تک اس کی بات ہے تو بس یہ ہٹے میری بستی کرتا رہتا ہوں, یہ بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیتا ہے پراپر. اور یہ میرا واقعی بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو آئی گیس میں اس مقام پہ نہ ہوتا. کیا بات ہے, اس نے مجھے بہت جگہ ہر جگہ سپورٹ کیا, سمجھایا, وہ الگ بات ہے گالیاں دے دے کے مار مار کے پیار سے نہیں, لیکن پھر بھی میرا بھائی ہے. جو ہے بہت اسپیکٹو ہے میرے لیے, انہوں نے میرے ہر موڑ پہ نا ہیلپ کی ہے, ان کو پتا ہے, اور میں جو بھی لفظ کہوں گا مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے ان کو کہنے کے لیے. تو گائز سب کو پتا ہے کہ علی میرا دوست نہیں ہے اور نہ کوئی ٹک ٹاکر ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو, اور یہ میرا میرے والد ہوتے تھے اور میں ان کو دل سے نہ بڑا بھائی مانتا ہوں, اور واقعی میں یہ بھی مجھے چھوٹا بھائی مانتا ہے. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. میں دل کی گل کراں گا, میں تمہیں پہلے کہتا پنجابی دے وچ, میں شروع شروع وچ نا ویڈیو ویکھدا ہوندا سی, میں کہنا یار برگر کیک کیوں کہ کہنا میں, لیکن جب اسی انہاں نال سکردو گئے ملے تو میں کہنا یار بھائی بندہ پورا زبردست, ہمیشہ سارے ساتھ دینے والا, یقین کرو. تھینک یو سو مچ علی بھائی, یقین کیجیے گا آپ کے بہت پیارے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر دیتا ہے. سو شکریہ. لہری تو آ جا, سمجھ رہے ہو.
तो गाइस ये व्लॉग हो गया खत्म, खुदा की कसम मेरे दोस्त मेरी जान है। ओ क्या बढ़िया दोस्त नहीं बल्कि ये मेरी फैमिली की तरह है, इतना प्यार मुझे करते हैं, इतना प्यार करते हैं तो मैं क्या बताऊं। असल प्यार तो भी मिला है ना हमसे, ठीक है। और इसके बाद मैं अपने गिफ्ट की जो अनबॉक्सिंग है वो लहजा से एक व्लॉग में करूंगा, उस व्लॉग का आप सबको देख रहेगा। यस यू गाइस, बाय बाय।